हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भाई अपने फ़ोन से प्रिंटर को कैसे कनेक्ट करें। किसी भी प्रिंटर को भाई, एचपी का किसी कोई आप कोई सा भी प्रिंटर हो उसको भाई अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। एचपी का बता रहा हूँ मैं अभी, और किसी का नहीं बता रहा, ना कि कॉनन ना किसी का भी नहीं बता रहा, सिर्फ एचपी का बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर खोल लेना है। यहाँ पर आपको दो ऐप डाउनलोड करनी होंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सर्च करना है एचपी प्रिंटर ऐप, आपको ये सर्च कर देनी है। तो देखिए आपको एक जीवाली जी, देखिए जीवाली आपको मैंने डाउनलोड कर रखी है, और एक दूसरी जीवाली आपको जी दोनों डाउनलोड कर लेनी है भाई। मतलब अब जो मैं आपको अब बैक कर ले रहा हूँ, तो ये जीवाली हमारी जो ये पहली ऐप है, ये भाई आपका मतलब ये प्रिंटर में भेजने का काम करती है, वाईफाई के लिए भेजती है जी वाली ऐप है। और ये जो मतलब आपकी जो फाइल होती है फ़ोन में स्टोरेज होती है, मतलब जो पीडीएफ फोटो होती हैं उनको सेंड करने का काम करती है, जे इसमें सेंड करती है, जे आपको प्रिंटर में सेंड करती है, ऐसे करती है ये काम जी दोनों ऐप। एक ऐप कभी काम नहीं करती। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एचपी स्मार्ट कोर चालू कर लेना। आपको जो दूसरी ऐप उससे कुछ कुछ भी नहीं करना है आपको, मतलब जिस सब कुछ हमारा यही काम करती है, वो तो सिर्फ वैसे ही रहती है। तो देखिए ये वाला है, तो ये जैसे मैंने देखिए दो प्रिंटर कनेक्ट कर रखे हैं अभी जी। देखिए तो देखिए ये वाला मैंने कनेक्ट कर रखा है, ये भी एचपी का है और ये वाला भी, ये भी एचपी का है। और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड प्रिंटर पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ रंगीन करना है कि ब्लैक एंड वाइट। तो आपको जैसे ऐड प्रिंटर गेट स्टार्ट प्रिंटर, तो आपको यहाँ पे नीचे करना है ऐड प्रिंटर, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर जैसे मेरा ये प्रिंटर आ रहा है भाई, तो उस पर भाई क्लिक करता हूँ। जैसे कि दीवाला आपका ये आ जाएगा, सब मतलब उसका हॉटस्पॉट ऑन कर देना है। अगर आपको हॉटस्पॉट नहीं है तो आपको अब हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेना है। तो ये देखिए दो बार आ चुके भाई, ये भाई प्रिंटर हैं उनको भाई नाम आ गए। तो जैसे कि मैं अभी इस पर एक को क्लिक कर ले रहा हूँ, एक को कर ले रहा हूँ। तो जैसे ये वाला मैंने क्लिक किया, एक बार क्लिक करो तो थोड़ी वेट करना है, अपने आप भी कनेक्ट कर लिया एक बार में ही। तो ये देखिए ये हमारा कनेक्ट हो चुका है, ये रहा ये वाला, देखिए प्रिंटर जी वाला भाई। अभी मैंने ऑफलाइन है जी, मैंने इसको कनेक्ट नहीं कर रखा, पर कनेक्ट है एक तरह से। तो जी वाला है, तो यहाँ से भाई आपको प्रिंट कैसे करना है, आपको यहाँ पर जाना है, आपको नीचे आना है। आप जैसे अगर आपने अकाउंट बना लें तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको यहाँ पर जाना है प्रिंट फ़ोटो पे जाना है आपको। तो यहाँ से आपको प्रिंट फ़ोटो कर सकते हैं। अब प्रिंट फ़ोटो पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ से आपको पीडीएफ फ़ोटो या आप कुछ भी करना चाहें कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अपना अकाउंट बना रखा है इसलिए भाई मेरे को भाई नीचे साइनअप करने नहीं दे रहा, अपनी साइनअप का मांग सकता है यहाँ से आपको साइनअप का आएगा, मेरा अकाउंट बना रखा है तो इसलिए। तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ से प्रिंट फ़ोटो पे, मैं कोई सा पीडीएफ आपको सेलेक्ट कर लेना है जैसे कोई सा भी हो। तो जैसे मैं यहाँ पर आई, आपको पीडीएफ खुल जाएंगे, और यहाँ से आप इसको ये देखिए, यहाँ से आपको डाउनलोड स्टोरेज कौन सी भाई, मैंने ईमेल आईडी ब्लर कर रखी है। तो जैसे मान लीजिए जीवाली भाई, कोई एक भाई मैं कोई सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए जीवाला। तो जैसे कि भाई देख सकते भाई ये खुल चुका है, उसके बाद यहाँ पर भाई आपको नीचे आ रहा है प्रिंट, आप उस पर क्लिक करना है आपको। और भाई आपको साइज वाइज में कोई करने में दिक्कत आए तो आप हमको बता देना भाई, पूरी मतलब आपको एक कमेंट कर देनी भाई, हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर बता देंगे मतलब कैसे कैसे आपको क्या क्या कर लेना है मतलब। तो जैसे मैंने कलर सेलेक्ट कर रखा है, जो फोटो आई एक में, पर मैंने भी डायरेक्ट A4 साइज सेलेक्ट कर रखा है, आप इसे छोटा कंप्यूटर में कर सकते हैं, मैं खाली प्रिंट करना बता रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये ब्लैक हो जाएगा, यहाँ से ये मतलब वो है, और यहाँ से आपको जिसका मतलब 1 या 2 या कौन सी भी जीरो मतलब कैसे भी करना चाहें आप वो कर सकते हैं। और देखिए, और यहाँ से ये आ जाएगा, और यहाँ से आप डाक ये ब्लू आ रहा है प्रिंट सा, इस पर आप क्लिक करोगे तो प्रिंट हो जाएगा। और नीचे वही और भी आते हैं, ये यहाँ से ये आप मतलब रोटेट कर सकते हो, कैसे आप करना है ये भी, ये इसे आप ऐसे कर सकते हो या कैसे भी कर सकते हो आप करना चाहे। A4 साइज मतलब ऐसा आएगा, ये देखिए यहाँ पे आपको वो डिटेल में जाकर और आप जी चेंज कर सकते हो तो देख सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को नहीं सब्सक्राइब। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। और कोई प्रॉब्लम आए तो एक कमेंट में बता देना। गुड बाय दोस्तों।